1 अगस्त 1798 में अमेरिका के बैंक में पहली बार चोरी हुई थी, वो भी $163,000 की। चोरी के शक में जो कारपेंटर बैंक में ही काम करता था उसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद असली चोर चोरी करे हुए पैसे को उसी बैंक में जमा कराने लगा, और जब बैंक को शक हुआ तो उन्होंने छानबीन करी और असली चोर को पकड़ लिया। तब जाके बेकसूर कारपेंटर को जेल से छोड़ा गया। चोर ने भी सारे पैसे बैंक को वापस दे दिए तो उसे भी कोई बड़ी सजा नहीं मिली। नंबर 2, साल 1995 में एक मछुआरे ने समुद्र से टाइगर शार्क को पकड़ा और उसे पब्लिक एक्वेरियम में लोगों को दिखाने के लिए रख दिया। कुछ दिनों बाद शार्क ने लोगों के सामने उल्टी की जिसमें आदमी का कटा हुआ हाथ निकला। छानबीन करने पे पता चला कि इस हाथ को किसी चीज से काटा गया है जिसे शार्क ने निगल लिया था, और हाथ में बने टैटू से पता चला कि ये हाथ किसी स्मिथ नाम के आदमी का है जो कुछ दिनों से गायब है। जिसके बाद छानबीन हुई और कुछ दिनों के बाद हथियारों को पकड़ लिया गया।